हेलो माय फ्रेंड्स। सो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग टेस्ट नंबर 4 की, जो था रेशियो एनालिसिस पर। बहुत ही इजी सा टेस्ट था, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट था। इनफैक्ट इजी नहीं बोल सकते, बट ट्रिकी टेस्ट था। 25 मार्क का टेस्ट था ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पढ़ लेते हैं पहले। फ्रॉम द अबव टेबल ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ आर टेक्सटाइल लिमिटेड, कमेंट ऑन द वेरियस रेशियोज गिवन एट द एंड। तो ये सब आपको रेशियोज दे रखे हैं। ये आपकी कंपनी का रेशियो है जो लेटेस्ट ईयर का है, ये उसके पिछले साल का रेशियो है 2021 का, और ये है इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो। तो दोस्तों, अलग अलग रेशियोज दे रखे थे आपको, और आपको बस इस क्वेश्चन में बोला था कमेंट ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनी। और पहला एस्पेक्ट था दोस्तों लिक्विडिटी एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट था आपका प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एस्पेक्ट, तीसरा था आपका फाइनेंसिंग, और लास्ट था आपका रिटर्न टू शेयर होल्डर एस्पेक्ट। सो दोस्तों, ये सभी एस्पेक्ट पे आपको कमेंट करने थे। तो अब ये कमेंट्स कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत हटकर क्वेश्चन है सर, ऐसा क्वेश्चन तो हमने क्लास में नहीं करवाया सर। दोस्तों, हमने ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं करवाया, मगर ऐसे क्वेश्चंस बहुत कराए जहां पर हम लोगों ने बोला कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कमेंट ऑन द यू नो ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, कमेंट ऑन वेदर दिस रेशियोज आर गुड और नॉट, तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशियोज वगैरह। तो नो डाउट हमें रेशियोज का मीनिंग पता है, तो हम लोग तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो गाइस, इस क्वेश्चन में कैसे कमेंट किया जाए दोस्तों, देखिए आपको ये चार जो एस्पेक्ट्स दे रखे थे, इन चारों का यहां पर क्लासिफिकेशन भी दे रखा है। अगर आप अच्छे से देख लोगे तो आपको ये जो एस्पेक्ट दे रखे हैं, यहां पे हर एक एस्पेक्ट का आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है। लिक्विडिटी एस्पेक्ट, ऑपरेटिंग रेशियो, राइट, उसके बाद फाइनेंसिंग, और लास्ट में रिटर्न टू शेयर होल्डर। तो दोस्तों, ये सभी एस्पेक्ट्स तो आपको प्रॉपरली हेडिंग वाइज दिए, बस आपको कंपैरिजन करना है और बताना है कि क्या एस्पेक्ट्स में कैसे आप इसको आगे बढ़ोगे इसके साथ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो लास्ट ईयर अपनी कंपनी का रेशियो 2.2 था, इस बार है 2.5 टाइम्स। तो दोस्तों, आपका करंट रेशियो बढ़ चुका है। अगर आप करंट रेशियो बढ़ चुका है बोल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपका करंट रेशियो अच्छा है, मतलब आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजिशन जो है वो इंप्रूव हो चुका है। यस माई फ्रेंड्स, अगर क्विक रेशियो को देखोगे तो क्विक रेशियो भी लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ चुका है। इसका मतलब दोस्तों, आपके जो ये रेशियोज है ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बताते हैं, और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आपकी कंपनी की बेटर होती जा रही है। और अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो इंडस्ट्री को मैच कर चुका है, और ये तो इंडस्ट्री के ऊपर ही आ चुका है, टू ये इंडस्ट्री से ज्यादा रेशियो हो गया है। यस माय फ्रेंड्स, तो हम लोग ये बोलेंगे जरूर कि ये जो दोनों रेशियोज है ये इंप्रूव हो चुके हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। इसका मतलब ही हमारा लिक्विडिटी पोजिशन जो है वो इंप्रूव हो चुका है, और इंडस्ट्री के एक जगह हम मैच कर चुके हैं, और एक जगह हम अबव इंडस्ट्री आ चुके हैं। बट दोस्तों, टू मच हाई रेशियो अगर रहेगा, अगर ये रेशियो बहुत हाई रहेगा, तो ये दिखाता है कंपनी के फंड्स जो है वो आइडल पड़े हैं कंपनी के अंदर, मतलब अनइन्वेस्टेड पड़े हैं कंपनी के साथ। तो नो डाउट ये रेशियोज अच्छे होने चाहिए, बट बहुत अच्छे रेशियोज भी नहीं होने चाहिए। ये टू टू हाई अगर रहेंगे तो इन रेशियोज का कोई काम नहीं रहेगा। दिस इंडिकेट्स आइडलनेस ऑफ द फंड्स, करेक्ट माई फ्रेंड्स? तो ओवरऑल रीजनेबली ये सब अच्छा लग रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी, आपका लिक्विडिटी जो है शॉर्ट टर्म में वो इंप्रूव हो चुका है दोनों साल के कंपैरिजन में, और इंडस्ट्री के मुकाबले भी, राइट? तो इसका जो मैंने आंसर दिया था आपको, ये रहा आंसर। लिक्विडिटी के हद तक देखिए मैंने क्या कमेंट किया है, लिक्विडिटी के हद तक हमने क्या कमेंट किया है, तो हमने बोला है लिक्विडिटी के हद तक कि ये करंट रेशियो इंप्रूव हो चुका है लास्ट ईयर के मुकाबले, और इंडस्ट्री को मैच कर चुका है, बिकॉज वी आर एग्जैक्टली इक्वल टू इंडस्ट्री 2.5। क्विक रेशियो जो है वो भी इंप्रूव हो चुका है लास्ट ईयर के मुकाबले, एंड अबव इंडस्ट्री जा चुका है, बढ़िया है। बट एट द सेम टाइम मैंने बोला था दोस्तों कि ये रेशियोज बहुत ज्यादा हाई नहीं होने चाहिए, बराबर? तो यहां पर लिखा है दोस्तों, हाउएवर दिस ऑल्सो इंडिकेट्स आइडलनेस ऑफ द फंड्स, अगर ज्यादा अनइन्वेस्टेड फंड्स रहेंगे तो आपका लिक्विडिटी पोजिशन अननेसेसरली बेटर दिखने में कोई फायदा नहीं रहेगा, करेक्ट? और जरा इसके साथ दिए हुए और तीन रेशियोज को भी देख लीजिए, तो आपको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सेम रखा हुआ है, और इंडस्ट्री को बिल्कुल मैचिंग है, और आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ चुका है जो कि इंडस्ट्री के काफी ऊपर है, तो ये भी हम अबव इंडस्ट्री है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा बेटर है। नो डाउट हम इंडस्ट्री को मैच कर रहे हैं कुछ जगह रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में, और हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो कम हो चुका है, मतलब बेटर है, इंडस्ट्री के बहुत नजदीक है हम लोग, बट अभी इंडस्ट्री तक पहुंचना बाकी है। यस माय फ्रेंड्स, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज इंडिकेटिंग यू शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी, राइट माय फ्रेंड्स? यहां पर लिखा भी है दिस मे हैपन ड्यू टू रिडक्शन इन द रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड एंड क्विक इन्वेंट्री टर्नओवर, क्विक इन्वेंट्री टर्नओवर, बिकॉज इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा बहुत अच्छा इंप्रूव हो चुका है। बट बहुत ज्यादा अगर ये रेशियो हाई रहेंगे लिक्विडिटी वाले, तो ये आइडलनेस ऑफ फंड्स दिखाते हैं। ओवरऑल रीजनेबली गुड बोला है, ऑल द लिक्विडिटी रेशियोज आर इधर बेटर
और सेम इन बोथ द ईयर्स एंड कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज ऑल्सो। तो ये था दोस्तों आपका लिक्विडिटी पर कमेंट जो कि आपने लिक्विडिटी कैटेगरी में देखा। सेकेंड जो रेशियो आते हैं दोस्तों आपके वो है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका देख सकते हो आप कम हो चुका है, मगर दोस्तों इंडस्ट्री का तो और भी कम है। अगर आप आपका आरओआई देख सकते हो तो आपका आरओआई कम हो चुका है मगर इंडस्ट्री का तो और भी कम है। तो हम इंडस्ट्री के मुकाबले बेटर है मगर लास्ट ईयर के मुकाबले हमारा थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हो चुका है, राइट माय फ्रेंड्स। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा मेंटेन्ड है और हम इंडस्ट्री से काफी ऊपर है। तो यहां पर हम मेंटेन करके इंडस्ट्री से ऊपर है तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कंपनी का अच्छा है। सिर्फ फर्स्ट रेशियो जो है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा गड़बड़ है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की हद तक, प्रॉफिट्स की हद तक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हद तक, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट आरओआई रिड्यूस्ड फ्रॉम लास्ट ईयर बट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन मेंटेन्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब सेकंड वाला रेशियो वो मेंटेन्ड है। दिस मे हैपन ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑन कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ टर्नओवर। तो ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज कॉस्ट में चेंजेस है, बिकॉज टर्नओवर में चेंजेस है। हाउएवर बोथ द रेशियोज आर स्टिल हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। तो इंडस्ट्री एवरेज से तो हम बेटर ही कर रहे हैं ना, दैट इज गुड। यस, तीसरा रेशियो की बात करेंगे दोस्तों फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो, जो डेट रेशियो जो होता है, डेट रेशियो कम हो चुका है और इंडस्ट्री के तो बहुत ही कम है। तो हम लोग इंडस्ट्री से तो बहुत बेटर है, तो लास्ट ईयर के मुकाबले भी बेटर है और इंडस्ट्री के मुकाबले तो और भी बेटर है, करेक्ट। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो पहले ये फाइनेंसिंग रेशियो के तक हम क्या बोलेंगे, डेट रेशियो हमारा कम हो रहा है तो बेटर है। हमारा लेवरेज भले ही फाइनेंशियल लेवरेज कम हो रहा है बट बॉस हम डेट के बर्डन से उतना फ्री होते जा रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे फाइनेंसिंग की हद तक द कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स डेट कैपिटल बाय 1%, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले हमारा डेट रेशियो कम हो चुका है 1% से। एंड सेव द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज हमको इंटरेस्ट के तौर पे पैसा कम देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा अर्निंग इक्विटी वालों को मिलेगा। तो यहां पर इसलिए बोला है सेव द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट द डिपेंडेंसी ऑन डेट कंपेयर टू इंडस्ट्री प्लेयर इज वेरी लो, बिकॉज इंडस्ट्री के बाकी लोग क्या कर रहे हैं 57% तक डेट रख रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ 48%। लास्ट ईयर तो 49% था, अब तो 48% पर आ चुके हैं। मतलब हम इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, हम डेट पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। लास्ट रेशो आता है दोस्तों रिटर्न का रेशो, रिटर्न टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। लास्ट ईयर के मुकाबले हमारा ये रेशो 1% से बढ़ चुका है और हम इंडस्ट्री से फार 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 बेटर कर रहे हैं, इंडस्ट्री से तो हम बहुत बेटर कर रहे हैं। तो हमारा ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ चुका है क्योंकि हम डेट को कम कर चुके हैं। एट द सेम टाइम हम प्रॉफिटेबिलिटी को अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारे अच्छे मेंटेन्ड है, हम इंडस्ट्री से अभाव है, नो डाउट अबाउट इट। हमारा आरओआई भी अच्छा है, इंडस्ट्री से काफी ऊपर है, तो जिस वजह से हमारा रिटर्न टू इक्विटी ज्यादा बढ़ रहा है। तो आरओई इज 24% इन द ईयर 2000, यहां पर 17 लिख चुके हैं गलती से, इट शुड बी 2000। कितना बोलेंगे हम लोग दोस्तों, कितना है आपका 21 में है ये, तो इट इज 2021 एंड दिस इज 25% इन 2022। तो बॉस लेटेस्ट ईयर में हमारा ये जो रेशियो ये इंप्रूव हो चुका है कंपेयर टू इंडस्ट्री जो कि एवरेज सिर्फ 15% पे था। हम तो बहुत बेटर कर रहे हैं इंडस्ट्री के मुकाबले, तो हम ये बोल सकते हैं मोटा मोटी कि हमारा आरओआई जो है वो स्टेबल है और वो इंप्रूव हो रहा है, राइट माय फ्रेंड्स। सो दिस वॉज ओवरऑल कमेंट, चार कमेंट्स आपको करने थे दोस्तों और ये क्वेश्चन था आपके सामने आपके टेस्ट में आया हुआ, राइट। इसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। तो ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है जहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 2 लाख यहां पर भी बोला है, यस, तो ये क्या हो गया है, यस माय फ्रेंड्स। तो यहां पर आप सबसे मेन देख सकते हो कि आपको आपका इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 2 लाख रुपीज का, कंपनी के नीचे बैलेंस शीट के अंदर भी इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख दिख रहा है। टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी बोल रहे हैं, अच्छा अच्छे से देख लो आपके बैलेंस शीट में, ओनर्स इक्विटी के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है क्योंकि रिजर्व्स वगैरह कुछ नहीं है, प्रेफरेंस शेयर वगैरह कुछ नहीं है। इसका मतलब तेरा ओनर्स इक्विटी जो है वो 2 लाख ही है,
ओनर्स इक्विटी तुम्हारा 2 लाख ही है, नो डाउट तुम टोटल डेट निकाल सकते हो। बट दोस्तों जब तुम टोटल डेट बोलते हो तो टोटल डेट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म डेट एंड करंट डेट। टोटल डेट जब तुम बोलते हो इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म डेट एंड करंट डेट, ये दोनों का एडिशन। तो आप ये दोनों का एडिशन वाला नंबर निकाल सकते हो यूजिंग 0.5 एंड 2 लाख। ऑब्वियसली 2 लाख का 0.75% अगर आप लोगे दैट इज 1,50,000, दैट कम्स टू टोटल डेट। टोटल डेट आ जाएगा फिर आपका, देखिए यहां पर लिखा है। तो दोस्तों 2 लाख का 75% मतलब 0.75, ये 1,50,000, ये आ गया आपका टोटल डेट। बट दोस्तों टोटल डेट इज नथिंग बट करंट डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट, इन दोनों का टोटल जो होता है उसको टोटल डेट बोलते हैं। यहां पर काफी लोग मिस्टेक कर गए और उसे लॉन्ग टर्म डेट ले लिया उन्होंने, इट इज टोटल डेट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों आपको, लास्ट पॉइंट पढ़िए 6 पॉइंट। तो करंट डेट टू टोटल डेट इज 40%, 0.4, तो इसका मतलब 1,50,000 का 0.4 अगर मैं निकालूं तो 60,000 इज माय करंट डेट। अगर 60,000 मेरा करंट डेट है तो 90,000 मेरा लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो ये मेरा करंट डेट आ गया 60,000 और 90,000 मेरा लॉन्ग टर्म डेट आ गया। दोस्तों टोटल डेट इंक्लूड्स करंट डेट एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेट, करंट डेट एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेट। तो कुछ नहीं किया हमने उसको 60 और 40 में डिवाइड कर दिया, 60.6 एंड 0.4 में डिवाइड कर दिया, तो 60,000 एंड 90,000 ये दो आंसर आ गए आपके। राइट फ्रेंड्स, यहां तक का पार्ट समझ गए आपको। अब आगे दोस्तों यहां पर बोला है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना दिया है, 2 times दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया है दोस्तों आपको, 8 times दिया है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास आपकी लायबिलिटी साइड रेडी है, क्या आपके पास आपकी लायबिलिटी साइड रेडी है? यस सर, हमारे पास 2 लाख का ये अमाउंट रेडी है और अभी अभी हमने 90,000 का लॉन्ग टर्म डेट निकाला एंड शॉर्ट टर्म डेट 60,000, करंट डेट 60,000 का निकाला। तो फिर ये 90,000 में अगर मैं 2 लाख ऐड कर दूं एंड 60,000 ऐड कर दूं तो 3,50,000 इज माई टोटल ऑफ लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इफ दैट इज लायबिलिटी साइड टोटल, दैट हैज टू बी एसेट साइड टोटल, मींस आवर एसेट साइड टोटल इज ऑल्सो 3,50,000। इसका मतलब हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं, 3,50,000। हमारे टोटल एसेट्स कितने, 3,50,000 है और उसका 2 times का आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो है। सो तो दोस्तों इससे सीधा सीधा आपका सेल्स भी निकल जाएगा दोस्तों, सही है कि नहीं है? यस माय फ्रेंड्स एवरीबॉडी, यहां पर आपके पास आपका टोटल एसेट्स इज नथिंग बट इक्विटी शेयर एंड लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज शॉर्ट टर्म डेट, जिसका हमारे पास बाइफरकेशन भी रेडी है 60,000, 90,000, जो है टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास जो है एसेट्स टर्नओवर रेशियो रेडी है। टोटल एसेट्स निकल चुकी है हमारे पास, एसेट्स टर्नओवर रेशियो रेडी है, तो 2 times का एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है दोस्तों आपके पास। अगर 2 times का आपके पास एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है और आपके टोटल एसेट्स अगर 3,50,000 है तो आपका टर्नओवर कितना है, तो आपका टर्नओवर कितना है दोस्तों, कम ऑन टेल मी टर्नओवर। बट टर्नओवर निकालना क्यों है यहां पर, टर्नओवर की जरूरत ही नहीं है ना, टर्नओवर की जरूरत नहीं है यहां पर, क्यों नहीं जरूरत है सर? बिकॉज हमारे पास सेल्स तो ना निकालना है हमको, ठीक है? तो सेल्स निकालने की एसेट्स कोई जरूरत नहीं है हमें, यस। बट दोस्तों यहां पर एक और चीज दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 times बोला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 times बोला है और कहीं पर भी दूर दूर तक ये गुंजाइश नहीं है कि आपका आप कॉस्ट निकाल सको। अगर आप आपका कॉस्ट नहीं निकाल सकते इसका मतलब आपको सेल्स के बेसिस पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज करना है और आपको आपका इन्वेंट्री निकालना है। तो गाइस आप सीधा सीधा एक काम कीजिएगा, आप एसेट्स टर्नओवर रेशियो एज वेल एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन दोनों को यूज कीजिएगा और आपको आपके एसेट्स और इन्वेंट्री के बीच के रिलेशनशिप समझ जाएंगे, आपके एसेट्स और इन्वेंट्री के बीच के रिलेशनशिप समझ जाएंगे, क्योंकि आपका टर्नओवर कॉमन गिर जाएगा दोनों के बीच में। आपको रेशो क्या दिया है इन्होंने, 2:8 दिया है ना, 2:8 दिया है ना आपके पास, तो इसका मतलब 1:4 हो गया वो, राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स एवरीबॉडी? तो इन्वेंट्री टू टोटल एसेट्स इज नथिंग बट 2:8 मतलब 1:4, बिकॉज इन दोनों के बीच में टर्नओवर जो है वो कॉमन है, टर्नओवर जो कॉमन है, तो 1:4 आ जाएगा आपका इन्वेंट्री टू टोटल एसेट्स रेशियो। आपके पास आपके टोटल एसेट्स का अमाउंट रेडी है 3,50,000, उसको डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, इन्वेंट्री आ जाएगा आपके पास, इन्वेंट्री टू आपके पास टोटल एसेट 1:4 है। अगर टोटल एसेट्स तेरे पास
1:4 अगर तेरे पास इन्वेंट्री टू टोटल असेट्स का रेशियो है, तो फिर आपके टोटल असेट्स अगर 3,50,000 है तो आपका इन्वेंट्री बैलेंस कितना है, ऑब्वियसली डिवाइड बाय 4 करके आ जाएगा, 3,50,000 डिवाइड बाय 4 अगर हम लोग करेंगे तो 87,500। यस माय फ्रेंड्स, दैट इज माय इन्वेंट्री अमाउंट। सो माय इन्वेंट्री अमाउंट इज 87,500। तो हम लोग ये निकाल चुके हैं, ये रेडी है, इन्वेंट्री रेडी है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट भी रेडी है। यस एवरीबॉडी, एवरीवन, आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिर इसके बाद दोस्तों आपको मेरे ख्याल से यहां पर फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी भी दे रखा है 0.6 दिखा के आपको, ये 0.6 इज फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी। आपके पास ओनर्स इक्विटी 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज का 0.6 कीजिए तो आपका 1,20,000 जो है वो फिक्स्ड एसेट्स का आंसर आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स का आंसर कितना आ जाएगा? 1,20,000। तो आपके पास आपके फिक्स्ड एसेट्स के आंसर भी आ गए हैं। फिक्स्ड एसेट्स का आंसर 1,20,000 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास ये सब चीजें आ गई है, इन सब का टोटल लेंगे 3,50,000 इधर रखेंगे और हमारा बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा कैश। बैलेंसिंग फिगर ऑफ बैलेंस शीट विल बी योर कैश। आपकी बैलेंस शीट पूरी रेडी हो जाएगी दोस्तों। आई होप दैट वॉज अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, बट यस अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर यू, करेक्ट। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। यस क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनी एबीसी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो इज 0.4, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो इज 0.4, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो इज 30%। इसका मतलब ये जो डेट दिया है ना ऊपर का, वो डेट में लॉन्ग टर्म डेट भी है और अकाउंट्स पेएबल भी है। उस डेट में लॉन्ग टर्म डेट भी है और अकाउंट्स पेएबल भी है, क्योंकि डेट बोला है। जब डेट बोला है तो करंट डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि ये करंट डेट में लॉन्ग टर्म डेट ऐड करने के बाद मेरा टोटल डेट आता है। वैसी सेम लॉजिक से यहां पर भी, जब मैं सिर्फ फर्स्ट रेशियो में डेट बुलाता हूं तो इसका मतलब मेरा लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज अकाउंट्स पेबल दोनों आ गया उसमें। यस, फिर लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो इज योर 30% अमाउंट। इक्विटी के अंदर मगर इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है और प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट रेडी है, रिजर्व्स का अमाउंट अभी तक रेडी नहीं है। अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड भी दिया है आपको 36 डेज का एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है आपको 20% का। क्विक रेशियो आपको 0.9 दिया हुआ है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपका 55 डेज है। COGS आपको दे रखा था 64 लाख रुपीज। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो आप ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि COGS रेशियो इज 80%। अगर COGS रेशियो 80% है तो ये 64,000 को अगर डिवाइड बाई 80% कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा। यस माई फ्रेंड्स, 64 लाख को डिवाइडेड बाय 80% करेंगे तो 80 लाख रुपीस का मेरे पास क्या आ गया? सेल्स आ गया। अगर सेल्स आ चुका है दोस्तों तो सेल्स को डिवाइड बाय 360 डेज है। यस, सेल्स को डिवाइड बाय 360 डेज करेंगे इनटू 55 डेज कर देंगे तो मेरा डेटर का अमाउंट भी आ जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले आप सेल्स निकाल लोगे इस क्वेश्चन में। यहां पर देखिए आपके पास सेल्स निकालने का बहुत इजी तरीका है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब 80% आपका COGS है जिसका अमाउंट है 64 लाख। अगर 64 लाख को डिवाइड बाय 80% कर देंगे, 64 लाख को अगर डिवाइडेड बाय 80% कर देंगे तो आपका सेल्स का अमाउंट आ जाएगा 80 लाख रुपीस। अगर सेल्स का अमाउंट 80 लाख है तो सीधा सीधा 80 लाख को डिवाइडेड बाय 360 कर दो, पर डे सेल आ गया, इंटू 36 डेज कर दो तो 36 डेज का सेल आ जाएगा, विच विल बी योर डेटर अमाउंट। योर डेटर अमाउंट विल बी नथिंग बट 80 लाख डिवाइडेड बाय 360, ये पर डे सेल आ गया, इनटू 36 डेज, इनटू 36 डेज करेंगे तो आंसर 8 लाख रुपीस आ जाएगा दोस्तों। यस माय फ्रेंड्स, आंसर आ गया। अगर आप ये क्वेश्चन को रेफर कर रहे हो तो बस आपको इसको डिवाइड बाय 55 की जगह 36 कंसीडर करना है। उल्टा हो गया ये, एक्चुअली लिखते वक्त यहां पर, तो यहां पर लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे, 80 लाख डिवाइडेड बाय 360 एंड इंटू 36 डेज यहाँ लिखा है क्लियरली। तो दोस्तों इस वजह से आपका डेटर का बैलेंस आ जाता है, डेटर का अमाउंट आ जाता है 8 लाख रुपीज। डेटर का अमाउंट आ गया 8 लाख रुपीज। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आपके पास रेडी है दोस्तों। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो से क्या हो सकता है सर? COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री कर सकते हो आप। COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री एंड एवरेज इन्वेंट्री इटसेल्फ इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ओपनिंग स्टॉक का डेटा रेडी नहीं है। तो ऐसे केस में दोस्तों आप बोलोगे सीधा सीधा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट COGS डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक।
और फिर आपके पास टर्नओवर रेशियो रेडी है, कितना टर्नओवर रेशियो आपका इन्वेंट्री का, होल्डिंग पीरियड आपका 55 डेज है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है 55 डेज है, तो आप सीधा सीधा एक काम भी ये कर सकते हो, यस माय फ्रेंड्स, इन्वेंट्री निकालने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपके पास COGS रेडी है, उसको डिवाइडेड बाय 360 कर दो, इनटू 55 डेज कर दो, आपके पास डायरेक्टली इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा। COGS कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 64 लाख। देयरफॉर 64 लाख डिवाइडेड बाय 360 विल गिव यू पर डे COGS, आपके स्टॉक में 55 डेज का COGS ब्लॉक्ड है, तो इनटू 55 डेज करेंगे तो आपका आंसर 9,77,77.7777, मतलब 8 कर सकते हो आप उसको, 9,77,77.8 कर सकते हो, दिस इज योर इन्वेंट्री अमाउंट। तो आपके पास इन्वेंट्री भी आ चुका है, इन्वेंट्री आ चुका है आपके पास, आपके पास रिसीवेबल अमाउंट आ चुका है, आपके पास इस क्वेश्चन में अब और क्या आ सकता है, आपके पास इस क्वेश्चन में और क्या आ सकता है, क्विक रेशियो यूज कर सकते हो आप। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये भी आप यूज कर सकते हो। पहले सबसे ऊपर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, डेट टू टोटल एसेट्स, ओके एवरीबॉडी, डेट टू टोटल एसेट्स कितना है 0.4 है। तो दोस्तों इस एक काम कीजिए, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, आपका टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी है, क्या आपको आपका टोटल एसेट्स दे रखा है, यस सर, हमारे पास 50 लाख रुपीज टोटल एसेट्स है, मतलब वो हमारा लायबिलिटी है, मतलब वो हमारा एसेट्स भी है। तो डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो यूज करके 50 लाख को इंटू 0.4 करके, 50 लाख को इंटू 0.4 करके मेरे पास 20 लाख रुपीज का डेट आ जाता है। बट रिमेंबर दैट डेट इज अकाउंट्स पेबल एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेट, दैट डेट ऑफ 20 लाख इज अकाउंट्स पेबल प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब यहां पर नीचे बोला है इन्होंने कि आपका लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो 30% है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है 30% है। तो आप सिंपल सा एक काम कीजिए, सबसे पहले टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो आपने डेट का वैल्यू निकाल लिया विच इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, टोटल ऑफ लायबिलिटी यू ऑल नो 50 लाख है, 50 लाख में से ऑलरेडी हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया है सर, हमने इन दोनों का टोटल भी निकाल लिया 20 लाख से, इसका मतलब 50 लाख में से अगर इन दोनों का टोटल 20 लाख लेस कर देता हूँ, ऊपर का इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट 20 लाख लेस कर देता हूँ, तो बैलेंसिंग फिगर कैन बी रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख रुपीज। एक बार रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख रुपीज आ जाएगा तो 10 लाख प्लस 20 लाख इज 30 लाख, दैट बिकम्स माई इक्विटी, इफ दैट इज माई इक्विटी 30 लाख, तो 30 लाख का 30% इज माई लॉन्ग टर्म डेट, 30 लाख का 30% मतलब 9 लाख इज माय लॉन्ग टर्म डेट, इफ 9 लाख इज माय लॉन्ग टर्म डेट तो टोटल डेट ऑफ 20 लाख में से 9 लाख लेस कर देंगे तो अकाउंट्स पेबल विल कम टू 11 लाख रुपीस। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है टोटल ऑफ एसेट्स में से हमने आपका इक्विटी का अमाउंट लेस कर दिया शेयर कैपिटल का, एंड हमने यहां पर डेट का अमाउंट लेस कर दिया, डेट का अमाउंट लेस कर दिया, तो यह आ गया बैलेंसिंग फिगर रिजर्व्स, एक बार ये आ गया तो उसके बाद रिजर्व्स प्लस Reserves plus your equity share capital amount is nothing but इसका 30% लेने के बाद आपको लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएगा, तो आपका लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट आएगा 9 लाख। टोटल डेट अगर 20 लाख है उसमें से 9 लाख लॉन्ग टर्म है तो आपका शॉर्ट टर्म डेट मतलब अकाउंट्स पेबल, मतलब अकाउंट्स पेबल आएगा 11 लाख। इस तरीके से आपका लायबिलिटी साइड पूरा रेडी हो गया, और हमने ऑलरेडी इन्वेंट्री निकाल लिया है और हमने अकाउंट्स रिसीवेबल निकाल लिया है, इन्वेंट्री निकाल लिया था, अकाउंट्स रिसीवेबल निकाल लिया था दोस्तों। अब आपको क्विक रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो इज नथिंग बट दोस्तों करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, सो कैन आई से इट इज नथिंग बट कैश प्लस डेटर। अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक लेस कर दिया तो क्या ही तो बचा, सिर्फ कैश और डेटर ही तो बचा है, आपके पास बैलेंस शीट रेडी है देख लीजिए। अगर करंट एसेट्स में से मैं फर्स्ट आइटम इन्वेंटरी लेस कर दूंगा तो रिसीवेबल्स एंड कैश ही बचेगा ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग करंट एसेट्स माइनस स्टॉक कैन आई ऑल्सो राइट रिसीवेबल्स प्लस कैश, क्विक रेशियो में रिसीवेबल्स प्लस कैश लिख सकता हूं मैं, तो ऐसे केस में रिसीवेबल्स प्लस कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज 11 लाख, बिकॉज करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक आइटम आता है अकाउंट्स पेबल, तो इसलिए अकाउंट्स पेबल का 11 लाख का अमाउंट यूज किया हमने, 11 लाख का अमाउंट यूज कर लिया हमने, और हमारा कैश प्लस डेटर का अमाउंट मिलाकर कितना आता है 9,90,000 आता है, जिसमें से डेटर का अमाउंट हमको पता है ऑलरेडी, डेटर का अमाउंट हमको पता है 8 लाख रुपीज है, तो अगर आप 9,90,000 में से 8 लाख रुपीज माइनस कर दोगे तो 1,90,000
मींस बैलेंसिंग फिगर आपका कैश हो जाएगा 1,90,000। इस तरीके से आपके पास पूरी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, इन दोनों का 20 लाख का टोटल हमने निकाला था, इसलिए ये बैलेंसिंग फिगर मिला था हमको। इस तरीके से हमने पूरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट किया था, उसके बाद इसका बाइफरकेशन अपने पास रेडी था, तो इसलिए हमने इसके बाइफरकेशन से हम इन दोनों अमाउंट्स निकाल लिए, 20 लाख को बाइफरकेट किया हमने। और उसके बाद आपके एसेट साइड में आपके पास इन्वेंटरी निकाल लिया था, डेटर निकाल लिया था, क्विक रेशियो से हमने कैश निकाल लिया लास्ट में, और आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा बैलेंस शीट का फिक्स्ड एसेट्स। यस माय फ्रेंड्स, दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज़ ये 50 लाख से तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 50 लाख ही रहेगा। यस वेरी गुड। यहां पर लिखा है एक नोट, बट ये एडवाइजेबल नहीं है, बस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर्स फंड रिप्रेजेंट्स इक्विटी इन लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो। The question can also be solved by assuming only share capital as equity. But tell me one thing, दोस्तों, frankly, share capital only as equity होता ही नहीं है ना। Important points to remember में अपन ने देखा था कि ऐसा नहीं होता, equity includes equity share capital plus reserves and surplus. तो preferably ये जो option है इसके साथ solve करने की कोशिश मत कीजिएगा, better रहेगा। Last question पे आते हैं दोस्तों, आपका last question आता है question number 4। Question number 4, another very good question for you. FM Limited is a competitive market, is in a competitive market, and every company offers credit. To maintain the competition, this company sold its goods on credit and simultaneously received the goods on credit. So goods received bhi kiya credit pe aur diya bhi credit pe. The company provides the following info for you regarding the current financial year. Debtors velocity 3 months, creditors velocity 2 months, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सीओजीएस, बोलने की जरूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी दिया है इन्होंने। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सीओजीएस, अभी आपको सीओजीएस पे ही लेना पड़ेगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट नहीं परसेंटेज दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल आपको दे रखा है, बिल्स पेबल आपको दे रखा है, इसका मतलब आपका अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल पहले आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है, ये लो, अब ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ही दे रखा है और रेशियो भी दे रखा है, तो सेल्स तो आसानी से आ जाएगा। सेल्स आ गया तो 25% ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, बचा 75% आपका सीओजीएस आ जाएगा, सीओजीएस आ गया तो इन्वेंटरी निकल जाएगी और साथ ही साथ फिक्स्ड एसेट्स भी निकल जाएंगे, राइट? और क्योंकि आपको डेटर्स में सेल्स मिल चुका है तो आप अकाउंट्स रिसीवेबल निकाल लो, अकाउंट्स रिसीवेबल में से बिल्स रिसीवेबल लेस कर आपका डेटर निकल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम इसके बाद इन्होंने पूछा आपको सेल्स निकाल लो, सीओजीएस निकाल लो, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, डेटर निकाल लो, ये सब तो इजीली निकल जाएगा दोस्तों। फिर आपको क्रेडिटर निकालने बोला है, दोस्तों आपके पास सीओजीएस रेडी, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रेडी है, तो दोस्तों उस वजह से आप परचेसेस निकाल कर परचेसेस के बेसिस पर पहले अकाउंट्स पेबल निकाल लीजिए, अकाउंट्स पेबल के बाद माइनस कीजिएगा बिल्स पेबल, आपको मिल जाएगा आपका क्रेडिटर का अमाउंट, राइट माय फ्रेंड्स? और लास्ट में फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो से वैसे भी आपका फिक्स्ड एसेट्स का आंसर भी निकल जाएगा। चलिए देखते इस फ्लो की तरफ। तो सबसे पहले जीपी रेशियो यूज किया दोस्तों आपने और आपने निकाल लिया आपका सेल्स, ठीक है? उसके बाद आपने सीओजीएस भी निकाल लिया, उसके बाद आपने क्या किया, अकाउंट्स रिसीवेबल निकाला। अकाउंट्स रिसीवेबल निकालने का बहुत इजी तरीका है, आपके पास सेल्स कितने 48 लाख से सर, तो सीधा सीधा 48 लाख को डिवाइडेड बाय 12 कीजिए, इंटू 3 कर लीजिए, 48 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो 12 लाख का मेरा अकाउंट्स पेबल आएगा। 12 लाख के अकाउंट्स पेबल में से 75,000 का बिल्स रिसीवेबल लेस कर लीजिए, तो अकाउंट्स रिसीवेबल आपका 12 लाख है, अकाउंट रिसीवेबल में से 75,000 का बिल्स रिसीवेबल लेस करने के बाद ये मेरा डेटर का अमाउंट आ गया, करेक्ट? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की मदद से पहले एवरेज स्टॉक निकाल लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज एवरेज स्टॉक, एज यू ऑल नो दैट द डिफरेंस इज एक्स्ट्रा 30,000 का, तो उस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारा ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कम्स टू 23,85,000 प्लस 35,000 करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रेडी है, क्लोजिंग स्टॉक रेडी है, सीओजीएस भी रेडी है, सीधा सीधा परचेस निकल जाएगा हमारा। हमारा परचेस का अमाउंट आएगा दोस्तों, परचेसेस का अमाउंट आ जाएगा 36,30,000। एक बार परचेस आ गया तो परचेसेस 36,30,000, बहुत इजी तरीके से मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, 36,30,000 डिवाइडेड बाय 12 कीजिएगा और इंटू 2 कर लीजिएगा दोस्तों, आपका अकाउंट्स पेबल का पीरियड है 2 मंथ्स, तो उस बेसिस पर आपका आंसर 33,60,000 डिवाइड बाय 12 इनटू 2 कर 5,60,000 आता है क्या? 36,30,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 2 ये 6,05,000।
6,05,000 इज योर अकाउंट्स पेबल, इसमें से बराबर 30,000 का बिल्स पेबल लेस कर लीजिए तो आपका क्रेडिटर का अमाउंट आ जाएगा 5,75,000। एक बार ये आ गया तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो से COGS की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं हमारे फिक्स एसेट्स व्हिच कम्स टू 9 लाख रुपीस। राइट माय फ्रेंड्स, परचेसेस का कैलकुलेशन नीचे वर्किंग नोट के तौर पे दे रखा है आपको, आपका सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ नीचे के नीचे यहाँ पर वर्किंग नोट के तौर पे आपको समझाया हुआ है। सो दैट वॉज अ वेरी सिंपल सिंपल लॉजिक। 30 मिनट्स में हमने ये टेस्ट का डिस्कशन कंप्लीट किया। आई होप दिस डिस्कशन वॉज यूजफुल फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टूड योर मिस्टेक्स एंड आई नो कि नेक्स्ट टाइम आपको रिपीट नहीं करोगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू इन योर नेक्स्ट टेस्ट।